आज हम लोग यहाँ पे गेहूं में पॉलिनेशन कैसे होता है ये आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए एमएससी के बच्चे हैं, ये अंकित हैं और ये अर्पित और ये प्रांजल, ठीक है। तो ये बच्चे यहाँ पर देखिए जो है पाइक को जो है कलेक्ट कर रहे हैं, ऐसे स्पाइक चूज कर रहे हैं जिसमें देखिए जो है ये पॉलन आपको जो है एंथर जो है आपको ये देखिए येलोइश कलर के दिख रहे हैं, ठीक है। मतलब इनका जो एंथेसिस अभी जो है स्टार्ट हुआ है जस्ट। तो ऐसे ही जो है ये क्या नाम है स्पाइक जो है कलेक्ट करेंगे, इसके बाद फिर पॉलिनेशन करेंगे। तो देखिए ये अंकित जो है इसको कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इमैस्कुलेशन पहले से हो रखा था जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको दिखाया भी है, ठीक है। अब ये देखिए अंकित जो है पॉलिनेशन करा रहे हैं, डस्टिंग जो है करा रहे हैं, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने पॉलिनेशन कर दिया। ये देखिए डस्ट जो है पॉलन की डस्ट देखिए यहाँ से भी निकलने लगी, बहुत ही सफिशियंट जो है पॉलन मिल रहा है। मॉर्निंग में पॉलन की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी रहती है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे पॉलिनेशन हो गया है। अभी इसको जो है स्टेपल कर दिया जाएगा और इस पे हम लोग जो है प्राइस लेवल जो है लगा देंगे। अच्छा, ये जो स्पाइक है इसको हम हटाते नहीं हैं, अभी पॉलन हमने ले लिया है। अब इसको देखिए सीजर से जो है काट दे रहे हैं। काटने के बाद ये देखिए हमने यहाँ पे वाटर रखा हुआ है इस मग में, ठीक है। इसमें पानी हमने रखा हुआ है, इसी में इसको जो है रख देंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि इसके एंथर फिर से जो है निकल करके बाहर आ जाएंगे और उनको हम फिर से जो है यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए काट देंगे ताकि जो है एंथर जो है वो फ्रेश एंथर फिर से निकल आवे, ठीक है। तो अभी इसको हम इसमें रख देते हैं, ठीक है। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि इसमें जो है एंथर निकल आएंगे, ठीक है। ये देखिए अभी अर्पित फिर से पॉलिनेशन कराने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए दूसरे जो है इसको हम जितनी भी ये स्पाइक होती है इनको अलग कर देते हैं ताकि इसका जो है पॉलन ना आ पावे इसमें, ठीक है। इस तरीके से देखिए अभी डस्ट निकल रही है, बहुत ही अच्छी जो है डस्ट मिल रही है, बहुत अच्छे पॉलन सप्लाई है नहीं। देखिए इस तरीके से हम इसमें पॉलिनेशन करते हैं, ठीक है। देखिए पॉलिनेशन हो गया, ठीक है। अभी इसमें प्राइस लेवल भी लगा दीजिए इसी समय, ठीक है। तो इसमें हम लोग अभी देखिए प्राइस लेवल भी लगा दे रहे हैं, ठीक है। इस पर नाम लिख देंगे, पेंसिल से नाम लिख दीजिए इस पर। तो इस तरीके से देखिए हम जो है इस पर अभी नाम भी लिख देंगे, मेंशन कर देंगे जिस पेरेंट्स का हम पॉलन ले करके आए हैं उसका जो है यहाँ पे नाम लिख दिए हैं हम, ठीक है। अभी देखिए फ्रेंड्स इसमें देखिए आपको जो है एंथर निकलते हुए दिख रहे हैं, देखिए ये देखिए, ये देखिए जो है एंथर निकलते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो इनको हम फिर से पॉलिनेशन के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो पर स्पाइक पॉलिनेशन है वो जो है हम बढ़ा सकते हैं, मतलब प्रत्येक स्पाइक को हम इफिशियंटली इस तरीके से यूज कर सकते हैं। पहले हम लोग पॉलिनेशन कर दिए थे, उसके बाद कट करके फिर से इसमें हमने वाटर में डिप कर दिया जिससे एंथर आ गए हैं, ठीक है। तो इनसे हम फिर से जो है पॉलिनेशन कर सकते हैं। ये अंकित ये जो है पॉलिनेशन फिर से इससे कराने जा रहे हैं, देखिए देखिए, ठीक है। ये देखिए कितना अच्छा जो है पॉलन निकल रहा है अभी, ठीक है। तो इस तरीके से पॉलिनेशन देखिए यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। बंद कर देंगे, स्टेपल कर देंगे इसको इस तरीके से, ये मसी के बच्चे हैं, काफी इनका अच्छा जो है परफॉर्मेंस इस समय चल रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपने देखा कि हम गेहूं में किस तरीके से पॉलिनेशन करते हैं, ठीक है। आपने देखा कि ये मसी के बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से वेल मैनर में पॉलिनेशन की प्रोसेस को कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आपने जो है चीज़ों को समझा, इसके बारे में आपने अवेयरनेस प्राप्त की। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।